के मुखिया योगी की अपराधियों पर टेढ़ी नजर से अपराधियों में हड़कंप मचा है। प्रदेश में हो रही अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस इतनी सख्त पहले कभी नहीं दिखी। इसी क्रम में जालौन में भी 12 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। 12 साल पहले एक जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हिरासत में ले लिया है। दिन व दिन पुलिस की लगातार कार्रवाई से अपराधी भागते नजर आ रहे हैं। इसी सख्ती के बीच जनपद जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में चर्चित हत्याकांड आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस घटना में आरोपी ने बाप बेटी और बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया था। इस कांड के एक अपराधी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लेकिन दूसरा आरोपी रमाशंकर पुलिस को 2006 से चकमा दे रहा था। आरोपी के ऊपर डीआईजी झांसी रेंज ने 20,000 का इनाम घोषित करके रखा था। इस इनामी आरोपी को जालौन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले एक साल के अंदर जालौन पुलिस ने 8 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये हमारी 9वीं गिरफ्तारी है। ये रमाशंकर पिछले 2006 से ये फरार चल रहा था और इस पे 20,000 का इनाम था। कल गोहन थाना अध्यक्ष ने अपने नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी की है और इसके पास से नाजायज असलाह भी बरामद किया है। ये घटना जो है 17/4/2006 की है। एक डबल मर्डर हुआ था, बहुत सेंसेशनल। तो उसमें जो अभियुक्त है उसने एक राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या की थी, उसकी लड़की की हत्या की थी और उसका जो लड़का अखिलेश उसकी भी हत्या कर दी थी और ये कुल्हाड़ी से काट करके बहुत ही सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई थी। उसके बाद से ये फरार हो गया था। इसका को एक्यूज्ड सोनेलाल इसी मुकदमे में आजीवन कारावास की सज़ा पा चुका है और काट रहा है उसको, लेकिन इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अभी इस पे पहले डीआईजी रेंज साहब के यहाँ से पुरस्कार घोषित था, इसको कि इधर जब हम लोगों को पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने का पावर मिला है तो इसको इसकी धनराशि बढ़ाई गई थी। उसके बाद से हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और अब जाकर के हम लोगों को सफलता मिली। अगर पुलिस सख्त होकर कार्यवाही करे तो कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से दूर नहीं रह सकता, लेकिन भ्रष्ट सरकार के नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से कई बार पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती थी। कार्रवाई से पहले ही कई बार पुलिस अधिकारियों के तबादले हो जाते थे, लेकिन योगी सरकार से मिली पुलिस को स्वतंत्र भी अपराधियों पर भारी पड़ रही है। प्रदेश में हो रहे बदमाशों के एनकाउंटर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। न्यूज़ बीके के लिए जालौन से प्रणव शुक्ला की रिपोर्ट।